हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सुनील दर्शन सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। सुनील दर्शन ने 1988 में आई मूवी इंतकाम से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में सनी देओल, अनिल कपूर, मीनाक्षी और किमी काटकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1993 में डायरेक्टर धर्मेश दर्शन की मूवी आई लुटेरा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सुनील दर्शन। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में सनी देओल, जूही चावला, नसरुद्दीन शाह, पूजा बेदी, अनुपम खेर और चंकी पांडे शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 85 लाख रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ 85 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1996 में सुनील दर्शन की डायरेक्ट की हुई मूवी आई अजय। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में सनी देओल, करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 17 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1999 में सुनील दर्शन की मूवी आई जानवर। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रहा। भारत में कमाई 11 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 19 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2001 में सुनील दर्शन की मूवी आई एक रिश्ता। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, राखी, जूही चावला और करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रहा। भारत में कमाई 17 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 36 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2002 में धर्मेश दर्शन की मूवी आई हाँ मैंने भी प्यार किया है। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सुनील दर्शन। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2003 में सुनील दर्शन की मूवी आई तलाश। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में अक्षय कुमार, करीना कपूर, पूजा, अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रहा। भारत में कमाई 11 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 19 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर राज कन्वर की मूवी आई अंदाज। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सुनील दर्शन। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में अक्षय कुमार, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 16 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 29 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2005 में सुनील दर्शन की मूवी आई बरसात। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 करोड़ रहा। भारत में कमाई 10 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सुनील दर्शन की एक और मूवी आई दोस्ती। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में बॉबी देओल, अक्षय कुमार, लारा दत्ता, करीना कपूर और जूही चावला शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2006 में सुनील दर्शन की मूवी आई मेरे जीवन साथी। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अमीषा पटेल शामिल थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2007 में सुनील दर्शन की मूवी आई साकालाका बूम बूम। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में बॉबी देओल, भूपेन पटेल और कंगना रनावत शामिल थे। इस मूवी का बजट 12 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2014 में डायरेक्टर राजेश पांडे की मूवी आई कर ले प्यार कर ले। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सुनील दर्शन। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में शिव दर्शन, हसलीन कौर शामिल थे। इस मूवी का बजट 26 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 41 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 91 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2017 में सुनील दर्शन की मूवी आई एक हसीना थी एक दीवाना था। इस मूवी की लिस्ट कास्ट में शिव दर्शन, नताशा, भुवन पटेल, सोनी कौर शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 26 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 67 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की सुनील दर्शन सर की डायरेक्ट या प्रोड्यूस की हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आज हमने आपको सुनील दर्शन सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको सुनील दर्शन सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।